तेबे आज हूँ राष्ट्रीय जन औषधि दिवस ए अवसर में प्रधानमंत्री मोदी सीधासख भर्चुआल मध्यम प्रसारण देखुं सीधासख चित्र देखुं स्क्रीन हमारे साथ एक पूरी अभी सर 250 लोगों की टीम है और एक बात जब हम दवा पहुंचाने जाते थे तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि आप हमारे लिए मेडिसिन नहीं ए मोदी जी की दुकान की आप मेडिसिन ला रहे हो और सर वो लोग आशीर्वाद देते थे कि मोदी जी लंबी उम्र तक जिए और ऐसे योजना बना रहे और काम करते रहे और सर धीरे धीरे हम ये हमारा अभियान पूरे अहमदाबाद में फैल गया और एक बात कि हम एक बुजुर्ग ने तो हमें ऐसा बोला सर मैं गया तो आप हनुमान जी के सेवक हमारे लिए संजीवनी लेके आ रहे हो तो मैंने बोला सर कि आप ऐसा क्यों मैं बता रहे हो तब बोला कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे और उनको जीवनदान मिला था तो ऐसे ही हम जैसे कई मरीज है जिनके लिए मोदी जी एक दुकान से संजीवनी दे रहे और हम जी रहे हैं तो सर बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे थे और आपके लिए दुआ रहे हम लोगों को भी सब बड़ी लोग के आशीर्वाद मिल रहे हैं और सर लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश इतनी जल्दी एक टीका का आविष्कार कर देगा सर एक नहीं दो नहीं तीन तीन कंपनियों ने हमारे वहां टीका का आविष्कार कर दिया और सर इतनी बड़ी जनसंख्या में आपके आगेवाणी में अभी जो टीकाकरण हो रहा है हम तीसरे स्टेज पर तो पहुंच गए कई सारे बुजुर्ग को अभी टीकाकरण हो रहा है तो सर और एक बात कि हमारे वहां तो टीकाकरण हो रहा है सर आपने कई ऐसे देश है जहां पर टीका की उपलब्धि नहीं है वहां पर भी आप पहुंचा रहे हैं तो सर इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूं सर। राजू जी सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए और घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं। आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं और ये आपने करके दिखाया है और देश में ऐसे कई नौजवान हैं वो करते रहते हैं और वही हमारे देश की बड़ी ताकत है और इसलिए मैं आपको बताई एक मैं छोटा काम बताऊंगा अब आपको क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं तो मन करता है कि आपको एक काम बता दूं। देखिए जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है जहां टीका लगता है आप वहां पर अपने साथियों की ड्यूटी लगाइए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीन हो जाए, उनका जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, आप देखिए आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। हाँ तो करेंगे आप लोग? हाँ। सही में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सही सर आदेश कर देंगे हम सर। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू राजू भाई, आभार। अब सर हम दीव में मारुति नगर में श्री इरशाद अहमद रफीक भाई को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसे बात करें। इरशाद नमस्ते। नमस्ते साहब जी। हाँ रफीक जी बताइए कैसे हो साहब? मैं इरशाद रफीक भाई कुरैशी बोल रहा हूँ।
दीव संचालक हूँ मोदी मेडिकल स्टोर। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस के मुझे 3 महीने ही हुए हैं ये मोदी मेडिकल स्टार्ट किए हुए। तो मैं पहले एक छोटे से मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट की जॉब करता था और मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये ओनली। और पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, लेकिन मेडिकल स्टोर वो भी हो कि जिसमें सेवा भी कर सकूं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बढ़िया कोई ये मौका नहीं था कि जिसमें सेवा भी हो और कमाई भी हो। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है जी, आपके आशीर्वाद से। अभी कितने लोग जन औषधि का फायदा उठाते हैं? अभी 1 महीने में मैं आपको बताऊं तो 1400 से 1500 आदमी फायदा उठा रहे हैं और ये यहाँ पे मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। लेकिन और जो दवाई की दुकान वाले हैं वो अब आपको गुस्सा करते होंगे कि भाई हम तो दवाई पहले इतने बेचते हैं, तुम कहाँ से मोदी को ले आए, हमारा तुम इतनी सस्ती दवाई देते हो तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। तो इसमें तो सर ये सेवा है, उनको सबको साथ देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास है ये।